दर्शक बंधु एबे समग्र विश्व रे इजराइल को नहीं जो भाई चकित खबर सामना को आसी संभवतः यह एक बड़ विश्लेषण प्रसंग बोली धरिनिया जीवा उचित लगातार भाव जमीती एवं हमास एवं इजराइल रो युद्ध प्राय दुई मास पर्यंत लागी रही भितरे इजराइल ना केवल हमास को सामना करुची बरं पारिपार्श्विक परिस्थिति एवं राजनीति को मध्य सामना करथुवा भली लागुची एतिपाई बेंजामिन नेतन्याहु एक बयान माध्यम रे कहिचंती कि जदि लेबानन तार कार्यकलाप रु न सुधुरे ताहले बेरुट को से गाजा रे परिणत कर देबे। एबे बेरुट कोन बेरुट हला लेबानन रो राजधानी अत्यंत छोटो अंचल 55 लाख पाखापाखि जनसंख्या किंतु एठारे हेजबुल्ला जे एक विद्रोही एवं ता सह एक राजनैतिक दल रूप से परिचित वर्तमान लेबानन कथा कहवा पूर्व सांप्रतिक परिस्थिति को जदि आलोचना करिबा ताहले आपण जदि मैप देखिबे एबे एथिरे प्राय प्राय गाजार 60-70% अंचल इजराइल सैन्य मानक नियंत्रण को चली आसलाणी एवं एक वीडियो वार्ता जरिया रे इजराइल देखैछि कि पाखापाखि अनेक स्कूल एवं डाक्तरखाना रे अनेक प्रकार रो मिसाइल बोमा रॉकेट लॉन्चर आदि इत्यादि जहां हमास ठूल कर रखिता यहाँ उद्धार करुचंती इजराइल डिफेंस फोर्स एवं केवल उत्तर गाजा नुह बर धीरे धीरे इजराइल एवं दक्षिण गाजा को मध्य आसवा आरंभ कर दी एवं लगातार सर्च ऑपरेशन जरिया रे हमास रखिता विपुल संख्यक अस्त्रशस्त्र को मध्य जब्त करिबा एवं यार एक वीडियो करी सोशल मीडिया रे पोस्ट करिबा भली वर्तमान घटना सामना को आसी किंतु यार भितरे एबे निकट रे लेबनन तरफ रु एक मिजाइल आक्रमण करा जायथिला जेउथिरे जने इजराइल नागरिक मृत्युवरण करचंती यार परे परे बेंजामिन नेतन्याहु खोलाखोली चेतावनी देइचंती कि जदि हिजबुल्ला पुनर्बार आक्रमण करिबा पई इजराइल सह युद्ध करिबा पई चाहे ताहले पूरा लेबानन रो राजधानी बेरुट को गाजा रे परिणत कर दिया जीव। एबे हिजबुल्ला एक विद्रोही एवं राजनैतिक दल हिसाब रे निजको प्रतिष्ठित करुथिले हे बहु देश एमिति अछन्ते जो मने हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन हिसाब रे नामित करचन्ते एवं बहुत समय रे आपण हिजबुल्ला संपर्क रे जानिथिबे हिजबुल्ला एहा करि पारे ताहा करि पारे आदि इत्यादि बहु कथा किंतु मोटामोटी भाव रे जदि आमे कहिबा अमेरिका हो यूके हो ऑस्ट्रेलिया हो जापान हो एपरिक इजराइल तो स्वतप्रभुत भाव में आतंकवादी संगठन कहब ही कह यूए हो आरब राष्ट्र हो एवं आरब लीग देश मैंने भी हूँ एम भी हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन रूप से नामित कर सबुठ चकित हला बहु देश हिजबुल्ला को मोटामोटी भाव में आतंकवादी संगठन घोषणा करते भारत यहाँ एजावत आतंकवादी संगठन घोषणा करना एथिरे भारतर कूटनीति एवं निजस्व दर्शन रही ए संपर्क तो आलोचना करा जाई पारिबो किंतु संप्रति परिस्थिति रे हला कि हिजबुल्ला एबे प्राय प्राय ईरान रो प्रोत्साहन रे गति करथुबा देखा पड़ी किंतु एहा सह जो घटना जड़ित हो जाई एही घटना हला वाग्नर ग्रुप को नहीं कारण कहा जाउची कि रशिया जो बेसरकारी आर्मी रही बेसरकारी मिलिटरी रही एबे हिजबुल्ला सह मिसी इजराइल उपरे आक्रमण करिवार योजना करिछि वाग्नर ग्रुप ए भीतर को हटात प्रवेश करिबा एवं एथिपई रशियार अनुमति रहिबा एहा भी एक बड़ विचित्र व्यापार हिसाब रे सामना को आसीछि। रशिया एबे मोटामोटी भाव रे इजराइल एवं हमास युद्ध रे निजकु नियोजित करिवा भली जे रणनीति प्रस्तुत करिछि एहा पछरे गुटी मात्र कारण रहिछि कि रूस चाहुछि जथारु जथा संभव जेते अधिक समय अमेरिका इजराइल सपक्ष रे रही इजराइल हमास युद्ध रे निजको व्यस्त रखिबो सेतिकी यूक्रेन एवं रशिया रे युद्ध रे अमेरिका रो फोकस हटिबो यूक्रेन को जो समर्थन लगातार अमेरिका तरफ रु मिलुथला एथिरे निश्चित मात्रा रे ह्रास घटिबो गुटिए समय एमती आसिबो कि यूक्रेन संपूर्ण एका रहिबा भली परिस्थिति उपजिबो एही समय को रशिया अपेक्षा करिछ। द्वितीय रे यदि आम हमास एवं हिजबुल्ला कथा कहिबा एवं एपटे इजराइल रो कथा कहिबा कि सतरे कोन हमास भली हिजबुल्ला को मध्य इजराइल आक्रमण करी उड़ेई देबो कि संभवत एहा एक भूल रणनीति हबो कारण हिजबुल्ला हमास थारु जथेष्ट गुण रे बड़ संख्या रे मध्य बड़ अस्त्रशस्त्र रे मध्य बड़
ଏବଂ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଥିବା ଭଳି ଏହି ସଂଗଠନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନର ହତିଆର ବି ରହିଛି, ରଷିଆର ହତିଆର ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ହେଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ରୂପରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ କହିଲେ ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ କି ହେଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଗାଜାପଟ୍ଟି ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରି ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ଇସ୍ରାଏଲ। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ, ଏବଂ ଏହି ଲମ୍ବା ଚାଲିବା ହିଁ ରୁଷର ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଯିବ ଆମେରିକା ସେତିକି ସେତିକି ଇସ୍ରାଏଲର ପକ୍ଷ ହିଁ ନେବ। ତେବେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।